नमस्कार दोस्तों, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की अपनी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला थिंकर होगा प्लेटो। ये ग्रीक थिंकर है और ग्रीक थिंकर हम लोग को मेन ग्रीक क्लासिकल थिंकर दो पढ़ेंगे, एरिस्टोटल और प्लेटो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लेटो से अपनी अध्ययन की शुरुआत करते हैं। इस सीरीज़ में जो हम ना जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनका नाम दिया हुआ है सिलेबस में, उनको तो करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसे थिंकर हैं जिनके बारे में दिया नहीं हुआ है लेकिन उनसे सवाल आता है, तो उनको भी हम लोग साथ साथ करेंगे। और जो ये मेरा वीडियो है, ये यूजीसी नेट अलग अलग स्टेट में होने वाले सेट का एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो अलग अलग राज्यों में अभी होने वाला है, उसके लिए सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। इसमें मैं फैक्ट्स तो बताऊंगा ही, साथ में कॉन्सेप्ट पे भी बहुत मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि ये देखने को मिला है कि नेट के एग्ज़ाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को साथ में करूँगा। और मैं ये कोशिश करूँगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट या फैक्ट छूटे ना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना हो। अगर आप इसको अच्छे से देख लें तो आपके अधिकतर सवाल सही हो जाएं, ये मैं कोशिश करूँगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको दो तीन पार्ट्स में लेके आऊँगा, है ना। तो अब शुरू करते हैं पहले प्लेटो को। प्लेटो का जन्म 428 BC में होता है एथेंस में। एथेंस ना एक सिटी स्टेट था, सिटी स्टेट नगर राज्य था, है ना। नगर राज्य बोलते हैं कि इसका ना आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है नगर राज्य का आकार, इसलिए इसको नगर राज्य बोलते थे। सिटी स्टेट एक शहर के बराबर इसका आकार होता है। जैसे प्लेटो ही बोला है कि मेरा आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य जो होगा उसकी जनसंख्या होगी 5040। 5040 आजकल कई बड़े गांव है तो गांव की जनसंख्या होती है, उतने अपने राज्य की जनसंख्या होगी। प्लेटो ऐसा बोलता था, मेरे राज्य की जनसंख्या इतनी होगी। इसलिए उस समय राज्यों का आकार वैसे भी ज़्यादा नहीं था, छोटे छोटे राज्य होते थे, तो इसीलिए उनको सिटी स्टेट बोलते थे। दूसरी बात ना, प्लेटो का नाम था एरिस्टोक्लीज, एरिस्टोक्लीज उसका नाम था। लेकिन जब वो जाता है सुकरात के पास, सुकरात के पास जब वो पढ़ने जाता है तो सुकरात उसका नाम प्लेटो रख देता है। क्यों रखता है प्लेटो? क्योंकि ना जो जो प्लेटो था वो बहुत तंदुरुस्त था और हट्टा कट्टा था, मतलब चौड़ी छाती थी, मजबूत कंधे थे उसके। तो सुकरात ने उसको देखा और बोला कि यार तू तो, तेरा नाम एरिस्टोक्लीस कौन रख दिया, तेरा नाम तो प्लेटो होना चाहिए। मतलब प्लेटो का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत तंदुरुस्त रहा है, बहुत उसका शारीरिक रूप से बहुत बलशाली रहा है, उसको प्लेटो बोलते हैं, तो उसका नाम प्लेटो रख दिया वो। मतलब अभी के सलमान खान टाइप का था प्लेटो, तो प्लेटो उसका नाम था। तो जब वो सुकरात के पास पढ़ने जाता है, जब वो 20 साल का रहता है तब वो पढ़ने जाता है, और 8 साल तक वो पढ़ता है उसके पास, सुकरात के पास 8 साल तक मस्त ज्ञान लेता है। और जो प्लेटो रहता है सुकरात का फेवरेट स्टूडेंट रहता है, मतलब वो सुकरात इसके टाइप का कोई स्टूडेंट देखा नहीं रहता, इतना ज्ञानी और बढ़िया स्टूडेंट होता है। लेकिन प्लेटो के जीवन में ना दो घटनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, दो घटनाएं हैं जो उसके विचारों को पूरा बदल के रख देती हैं। एक घटना होती है कि जब प्लेटो था उस समय युद्ध होता है एथेंस और स्पार्टा के बीच, जिसको पोनेपोलिशियन वार बोलते हैं। तो इस युद्ध में जो स्पार्टा रहता है ना, स्पार्टा ये जीत जाता है और एथेंस हार जाता है। तो प्लेटो को इस घटना से ना बहुत धक्का लगता है। प्लेटो सोचता है कि हमारे राज्य में तो इतने बड़े बड़े दार्शनिक हैं, इतना हम लोग सोचते हैं, लेकिन हम लोग हार कैसे गए? तो इतने जब समझदार लोग हैं हमारे राज्य में तो हम लोग को तो हारना ही नहीं चाहिए था। तो इस बात से उसको बहुत धक्का लगता है और प्लेटो बोलता है कि मैं एक ऐसा राज्य बनाऊंगा जो हारे ना, जो बहुत शक्तिशाली हो। दूसरी घटना जो उसको प्रभावित की, दूसरी घटना होती है कि जो सुकरात रहता है, सुकरात ना, सुकरात की आदत एक रहती ना कि वो खुजली करने की आदत रहती, वो चौराहे और में जाके बैठ जाता था
और कोई भी लोग रहते थे उनसे वाद विवाद करता था, वाद प्रतिवाद संवाद करता था। इसको ना द्वंद्वात्मक पद्धति बोलते हैं, जिसको प्लेटो भी अपनाया। तो इसमें वो करता था कि लोगों से सवाल पूछता था और फिर वो कुछ जवाब देते थे, तो फिर एक सवाल पूछता था, और ऐसे करके ना वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता था। तो जो राजा था या फिर वहाँ के जो लोग थे वो उससे गुस्सा हो गए, राजा गुस्सा हो गया, और उन लोग ना मिल के उसको उसको बोले कि ये ना युवाओं को बरगला रहा है, युवाओं को भटका रहा है, और उसको फिर जेल में डाल दिए और उसको जहर दे दिए, मर गया सुकरात। तो इस घटना से ना प्लेटो को बहुत धक्का लगा, बोला कि यार सुकरात इतना समझदार आदमी, सबसे समझदार आदमी दुनिया का, उसको भी लोग इज्जत नहीं किए, उसको भी लोग जहर दे दिए। इसलिए लोकतंत्र ना बहुत ख़राब है, लोकतंत्र में ना ज्ञानी लोग की कोई इज्जत नहीं, अच्छे लोगों की इज्जत नहीं है लोकतंत्र में। तो इस कारण ना लोकतंत्र के खिलाफ उसको ना एक खराब भावना आ गई, निगेटिव थाट्स आए लोकतंत्र के खिलाफ प्लेटो के मन में। ये दूसरी घटना थी जिससे वो बहुत ज़्यादा उसके विचार प्रभावित हुए। तो अब हम समझेंगे कि प्लेटो के क्या क्या विचार हैं ना। सबसे पहले ना प्लेटो अपनी एक एक यूनिवर्सिटी खोलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एकेडमी, एकेडमी खोलता है प्लेटो। और एकेडमी ना यूरोप की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी एकेडमी। और वो अपनी शिक्षा पद्धति देता है, प्लेटो की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इसके विचार को भी हम उसकी शिक्षा पद्धति से शुरू करते हैं, ठीक है। शिक्षा पद्धति, तो प्लेटो बोलता है कि शिक्षा ना राज्य देगा और फ्री में देगा, फ्री एजुकेशन, और राज्य देगा सभी को, क्योंकि उससे पहले जो एथेंस में शिक्षा थी ना वो पैसे पे दी जाती थी, फ्री एजुकेशन नहीं होता था, पैसे पे दी जाती थी। लेकिन प्लेटो बोला कि फ्री एजुकेशन होगा मेरे देश में, और फ्री एजुकेशन कैसे होगा कि जब बच्चा 6 साल का होगा तो हम उसके माँ बाप से लेके अपने विद्यालय में उसको ले आएंगे, 6 साल का होगा तो, और 6 साल से लेके ना 18 साल तक बच्चे को हम लोग संगीत, मतलब बढ़िया उसको गाना वाना सुनाएंगे, अरिजीत सिंह का या अलग अलग सिंगर्स का, और संगीत व्यायाम कराएंगे बढ़िया से उसको, और शारीरिक शिक्षा देंगे, बौद्धिक शिक्षा देंगे, मतलब अलग अलग उसको काम कराएंगे, जैसे पजल अजल सॉल्व करवाएंगे उससे, और शारीरिक शिक्षा देंगे उसको, है ना, एस्थेटिक। तो ये हम 18 साल तक उसको बढ़िया करेंगे, है ना। फिर 18 से 20 साल तक हम उसको कठोर शारीरिक शिक्षा देंगे, कठोर शारीरिक शिक्षा, जिसमें हम उसको बढ़िया से दौड़ाएंगे और पहाड़ वहाड़ चढ़ाएंगे, बढ़िया उसको मजबूत कर देंगे। और 20 साल में ना एक पेपर लूँगा मैं, पहला पेपर लूँगा, ये बोला वो, और इसमें जो फेल हो जाएगा उसको मैं डाल दूँगा उत्पादक वर्ग में, ठीक, ये उत्पादक वर्ग में। जैसे इसमें उत्पादक वर्ग में किसान और इन लोग आते हैं, किसान हो गया और उत्पादक जो प्रोड्यूसिंग क्लास। फिर ना बोला वो 20 से 30 साल तक अब मैं जो बच्चे रहेंगे उनको गणित, रेखा गणित, गणित रेखा गणित और ज्योतिष, नीति शास्त्र, ये सब सिखाऊंगा। नीति शास्त्र ये सब बढ़िया से बच्चे लोग को सिखाऊंगा। और ये 30 साल में ना मैं उनका फिर से पेपर लूँगा, इसमें जो पास हो जाएगा वो तो आगे बढ़ जाएगा, इसमें जो फेल हो जाएगा वो बन जाएगा सैनिक, ठीक। फिर बोला कि 30 से 35 साल तक मैं फिर उनको जो पास हो गए उनको फिर से पढ़ाऊँगा तीसरे स्टेज में, और इनको मैं सिखाऊँगा, पढ़ाऊँगा दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ठीक है, एथिक्स और द्वंद्ववाद, द्वंद्ववाद मतलब डायलेक्टिक, डायलेक्टिज्म, द्वंद्ववाद। और इसमें जो पास हो जाएगा उसको, अगर ये 35 साल में कोई पास हो गया तो अब मैं उसको 15 साल की ट्रेनिंग दूंगा, और ये ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग मतलब उनको व्यवहारिक शिक्षा दूंगा उनको, जैसे 35 साल में कोई पास हो गया ना तो उसको मैं ट्रेनिंग में, जैसे IAS को ट्रेनिंग के लिए तहसीलदार बना देते हैं, या फिर ये सब तहसीलदार या फिर तहसील में भेज देते हैं, है ना, वैसे ही मैं उसको भेज दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा बढ़िया से कि कैसे शासन किया जाता है, सिखाऊंगा।
और जब वो 50 साल का हो जाएगा तो वो दार्शनिक राजा बनेगा। तो इस तरह से ना प्लेटो ने अपनी पद्धति में तीन वर्ग बताए, बोला कि तीन वर्ग होंगे इस तरह से। एक होगा उत्पादक वर्ग, एक होगा, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा सैनिक, और तीसरा होगा दार्शनिक, दार्शनिक राजा, दार्शनिक वर्ग। तीन वर्ग होंगे मेरे राज्य में, ऐसा प्लेटो बोलता था। शिक्षा द्वारा इनको लाएगा वो। तो प्लेटो का यही था कि जो शिक्षा द्वारा तीन वर्ग आएंगे, और ठीक है। तो बोला प्लेटो, बोला कि अगली बात बोला कि ना व्यक्ति जो है उसकी आत्मा में तीन प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है। जो आत्मा होती है ना हमारी, आत्मा के गुण होते हैं। तो बोला कि तीन प्रकार के गुण होते हैं, मतलब शिक्षा पद्धति से ही वो अपना नया सिद्धांत निकालता है। आप लोग समझिए, मैं कनेक्ट करके दोनों को पढ़ा रहा हूँ। तो आत्मा में तीन गुण होते हैं, वो बोला। तीन गुण कौन कौन से होते हैं? वो बोला कि विवेक होता है, विवेक, साहस और तृष्णा, तृष्णा या वासना, ठीक है। तो बोला विवेक, साहस और तृष्णा, जिसमें विवेक की प्रधानता होगी। बोला वो देखो यार, एक बात है, तीनों गुण सभी में होते हैं, सभी के पास विवेक होता है थोड़ी मोड़ी मात्रा में, सभी के पास थोड़ा मोड़ा साहस होता है, सभी के पास थोड़ा मोड़ा तृष्णा या लालसा, मतलब वासना होती है, सभी के अंदर होती है वासना। लेकिन बोला कि किसी के अंदर कोई सा गुण ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कोई सा गुण कम होता है, ये सच्चाई है, प्लेटो बोला। तो जिसके अंदर विवेक की प्रधानता होगी वो बन जाएगा दार्शनिक राजा, जिसके अंदर साहस की प्रधानता होगी वो सैनिक बन जाएगा। तो सैनिक के लिए तो साहस की ज़रूरत है ना, सेना में भर्ती होने के लिए। और जिसके अंदर वासना या तृष्णा होगी वो बन जाएगा उत्पादक, मतलब यार उत्पादन करने के लिए, या फिर कुछ मतलब कोई व्यापारी है तो उसके अंदर लालच होना चाहिए ना, लालच की ज़रूरत है व्यापारी के अंदर। अब लाल व्यापारी में साहस रहेगा तो क्या फ़ायदा, इसीलिए बोला कि जो इसके अंदर तृष्णा ज़्यादा है वो उत्पादक बन जाए। तो इसीलिए वो बोला कि जिसके अंदर विवेक होगा वो दार्शनिक बन जाएगा, साहस होगा वो सैनिक बन जाएगा, तृष्णा होगी वो उत्पादक बन जाएगा। तो इस तरह से वो बोला कि जो 20 साल में जो फेल हो रहा है, 20 साल में जो लोग फेल हो जाएंगे, मतलब उनका, इसका मतलब है कि उनके अंदर लालच था, मतलब उनके अंदर तृष्णा प्रधान थी, तो इनको उत्पादक बना दो 20 साल में जो फेल हो रहे हैं उन लोग को, है ना। यहाँ पे फेल हो रहे हैं उन लोग को बना दो उत्पादक, जो 20 से 30 साल में फेल हो रहे हैं उनको हम लोग डाल देंगे सैनिक में, और 30 से 35 साल के बाद जो पढ़ के निकलेंगे उन लोग दार्शनिक राजा बन जाएंगे। तो ये तीन वर्ग हैं सोसाइटी में, ऐसा करके प्लेटो का था। अब मैं इसी से प्लेटो के नए सिद्धांत को भी आप लोग को इजीली समझा देता हूँ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्लेटो के नए सिद्धांत समझने में। तो प्लेटो अपने, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस ऐसी है कि प्लेटो बोलता है कि हर आदमी को उसका उसका काम दो, हर आदमी को उसका हक दोगे, जो जिसका काम है उसको वो काम दोगे तो समाज में न्याय रहेगा। मतलब हर व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना, न्याय है। हर व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना न्याय है। मतलब जिस आदमी के अंदर वासना प्रधान है उसको उत्पादन का कार्य दे दो, जिस आदमी के अंदर साहस प्रधान है उसको सैनिक का काम दे दो, और जिसके अंदर दार्शनिक प्रवृत्ति है उसको राजा बना दो, तो न्याय बन आ जाएगा समाज में। और इसका एक शर्त है कि हर एक वर्ग दूसरे वर्ग के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब उत्पादक ना सैनिक के काम में उंगली नहीं करेगा, सैनिक राजा के काम में उंगली नहीं करेगा, तो सब अपना काम करेंगे, इससे समाज में न्याय आ जाएगा। ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। तो प्लेटो बोला कि न्याय जो होगा ना मेरे यहाँ, न्याय ना दो पहलू होंगे न्याय के, दो पहलू होंगे, व्यक्तिगत स्तर पे और
समाज के स्तर पे, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पे क्या होगा कि अपन आत्मा में तीन गुणों में सामंजस्य लाना। आत्मा में तीनों गुण हैं, मैं जैसे बताया था, हर आदमी के अंदर वासना रहती है, हर आदमी के अंदर साहस रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, यदि आपके घर में सांप निकल जाए तो आप मतलब कमज़ोर से कमज़ोर आदमी है यार, उसको भगता है वहाँ से, या फिर जान पे जब आ जाती है तो आदमी अपना पूरा साहस दिखाता है, पूरी तरह से लड़ने की कोशिश करता है। जब जान पे आ जाती है किसी की तो साहस छुपा रहता है कमज़ोर लोगों के अंदर भी, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिखता उनको, तो फिर वो उस साहस का प्रयोग करते हैं उन लोग। तो ऐसा बोला कि हर किसी के अंदर वासना भी रहेगी, साहस भी रहेगा, चिंतन करने की प्रवृत्ति भी रहेगी, दार्शनिक प्रवृत्ति भी रहेगी। तो इन तीनों प्रवृत्तियों में सामंजस्य, आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य बनाना ही व्यक्तिगत स्तर पर न्याय है, ठीक है। समाज के स्तर पर न्याय क्या रहेगा कि जो समाज के तीनों वर्ग हैं उनको उनका उनका काम देना, मतलब राजा का काम दार्शनिक को दो, सैनिक को अपना काम दो, तो उनको उनको उनका काम देना समाज के स्तर पे न्याय आ जाएगा इससे। तो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। तो ये प्लेटो जो अपना न्याय सिद्धांत है अपनी बुक द रिपब्लिक में देता है, उसकी सबसे फेमस बुक यही है, द रिपब्लिक में अपना न्याय सिद्धांत देता है। और ठीक है, प्लेटो अपना न्याय सिद्धांत इसी बुक में देता है। तो ये हो गया अपना प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब मैं इसके बाद के सिद्धांत अपने दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा।